सो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि आप सब कैसे एक रेशन कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा कि हमारे देश पे वन नेशन वन रेशन कार्ड का जो योजना है वो लागू हो चुका है। यानी इस योजना के तहत हर घर पे रेशन कार्ड होना चाहिए, और अगर आपके घर किसी स्टेट पे है और दूसरे स्टेट पे आप काम करते हो या फिर किसी काम के लिए गए हो तो उस स्टेट पे भी आप अपने रेशन ले सकते हो इस योजना के तहत। जी हाँ दोस्तों, और इस योजना को लागू होने के बाद रेशन कार्ड को बनाने का कंप्लीट प्रोसेस चेंज हो चुका है, उसका एलिजिबिलिटी पे बहुत चेंज आ गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि आप सब कैसे एक रेशन कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो घर बैठे बैठे। दोस्तों, तो इसके लिए रेशन कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको कुछ एलिजिबिलिटी होना चाहिए। जैसे पहले आपका उम्र 18 साल से ज्यादा होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपके घर पे एक महिला होना अनिवार्य है। अगर आपके घर पे कोई बालिग महिला नहीं है तभी आप बिना महिला के एक रेशन कार्ड अप्लाई कर सकते हो या फिर बना सकते हो। या दोस्तों, इसके साथ साथ आपके पास एक इनकम सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जो कि आप रेशन कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपके पास एक इनकम सर्टिफिकेट होना भी चाहिए। ये आपके स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ स्टेट पे इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए और कुछ स्टेट पे नहीं लगता इनकम सर्टिफिकेट। तो आपके स्टेट के तहत ही आपको चाहिए होगा और नहीं चाहिए होगा। या दोस्तों, इसके साथ साथ आप सभी के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भी होना जरूरी है रेशन कार्ड को अप्लाई करने के लिए, जिनमें से पहला नंबर पे आता है आधार कार्ड। जी हाँ, आधार कार्ड होना हर मेंबर के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं रहेगा तब आप एक रेशन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपके अगर आपके पास है और किसी दूसरे आपके परिवार के किसी दूसरे मेंबर के पास नहीं है तो आप अपने परिवार के सदस्यों को इस यूनिट पे ऐड नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर मेंबर के पास एक वैलिड आधार नंबर होना जरूरी है। अगर आप सभी के पास आधार कार्ड होगा तभी आप रेशन कार्ड के लिए अप्लाई कर पाओगे। जी, और इसके साथ साथ आपके परिवार के किसी एक सदस्य के पास एक बैंक पासबुक होना जरूरी है, जो कि देना पड़ता है अप्लाई के वक्त। और तीसरे नंबर पे आता है इनकम सर्टिफिकेट। जी दोस्तों, अगर आप सभी के पास इनकम सर्टिफिकेट है तभी आप अपने रेशन कार्ड को अप्लाई कर पाओगे। जी हाँ, और इसके साथ साथ अब मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को रेशन कार्ड पूरे चार तरीके के होते हैं, जिसमें कि APL, BPL, पात्र गृहस्थी और अंत्योदय। जी हाँ दोस्तों, इनमें से APL और BPL जो रेशन कार्ड होता था वो अब बनना बंद हो गया है, यानी फिलहाल पात्र गृहस्थी और अंत्योदय रेशन कार्ड ही बना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अंत्योदय रेशन कार्ड इन लोगों के लिए है जिन लोगों के घर पे कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है, उनको अंत्योदय रेशन कार्ड मिलता है और उनको एक हिसाब से हर महीने रेशन मिलता है। और जो पात्र गृहस्थी होता है वो उन लोगों के लिए पात्र गृहस्थी रेशन कार्ड बनता है जिनके घर पे यूनिट के हिसाब से रेशन दिया जाता है। जी हाँ, तो चलिए आप देखते हैं कैसे ये रेशन कार्ड को अप्लाई किया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आता रहता है। रेशन कार्ड को अप्लाई करने के लिए आप सभी को इस पेज पे आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इस लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आपके स्टेट के जो EDST का वेबसाइट है वो डिस्प्ले हो जाएगी। इसमें कि यहाँ पे रेशन कार्ड को हमें अप्लाई करने के लिए EDST का लॉगिन का जो ऑप्शन दिखाया गया है इस पे हमें क्लिक करना है। CSC EDST यूजर का जो ऑप्शन है उसे हमें चूज करना है, और यहाँ पे हमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के फिल करना है, और इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिखाया गया है उसको फिल करके सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप EDST का पोर्टल पे लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे EDST का जो ID है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, जिसमें कि CSC केंद्र या फिर जनसेवा केंद्र के माध्यम से आप सभी लोग CSC ID को ले सकते हो। लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल कस्टमर हो तो किसी भी जनसेवा केंद्र या फिर CSC सेंटर पे जाके आप अपने रेशन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अगर ID आपको लेना है तो कैसे अप्लाई करना है, इसका प्रोसेस मैंने पहले ही एक वीडियो पे दिखाया गया है, उसका लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो लॉगिन होने के बाद में अब यहाँ पे हमें रेशन कार्ड को अप्लाई करने के लिए SSDG सर्विसेज के सेक्शन पे आना है, और यहाँ पे हमें विभागीय एकीकरण सेवाओं ये तो आवेदन पे हमें क्लिक करना है इसी ऑप्शन पे। अब यहाँ पे हमें अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि तीसरे नंबर पर फूड एंड सिविल सप्लाई रेशन कार्ड का ऑप्शन दिया गया है, इस पे हमें क्लिक करना है। लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आप सभी को एक मेनू बार दिया गया है, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक नया रेशन कार्ड को अप्लाई करने के ऑप्शन मिल जाता है। रेशन कार्ड आवेदन सेक्शन पे आप देखोगे कि नए प्रविष्टि पत्र गश्ती की इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही आपके सामने आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो इस लिस्ट में से आप अपने डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। यहाँ पे आप ग्रामीण क्षेत्र से या फिर नगरीय क्षेत्र से है यहाँ पे चूज कर लेना है, जिसके बाद आप आगे बढ़ने का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आपसे यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल्स मांगी जाती है, जिसमें कि आप सभी को यहाँ पे उसका जो एप्लीकेशन नंबर है, सर्टिफिकेट ID है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यह जो डिटेल है, जब आप इनकम सर्टिफिकेट को अप्लाई करते हो तभी आपको
मिल जाती है। फिल करने के बाद आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके इनकम सर्टिफिकेट से जुड़े काफी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक फिच हो चुकी है। अब यहाँ पे जो भी डिटेल्स मिसिंग है केवल उन्हीं डिटेल्स को हमें फिल करनी है, जिसमें जिस भी रेशन कार्ड डीलर के साथ आप अपने रेशन कार्ड को ऐड करना चाहते हैं तो उसे चूज कर लेंगे। इसके बाद कार्ड प्रकार के सेक्शन पे आप देखेंगे तो आपके इनकम के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली पहले से ही लॉक हो चुका है। तो यहाँ पे ये जो पत्रकारिता के अंतर्गत रेशन कार्ड आप सभी को दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को पेज के नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे आप सभी को आपके परिवार के मुखिया का नाम फिल करना है। मुखिया जो है महिला रहेंगे तो श्रीमती यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप सभी को महिला के नाम फिल कर देना है। इसके बाद उसी नेम को यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज पे यहाँ पे आप सभी को फिल कर देना है और उसके पिता का नाम यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पे आपको फिल कर देना है। इसके बाद जिस भी कास्ट है वो है वर्क सेक्शन पे, वहाँ पे आप अपने कास्ट को चूज कर लेना है। मोबाइल नंबर जनरेट को फिल कर देना है, आधार कार्ड नंबर को फिल कर देना है और यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड नंबर को अगर है तो फिल कर देना है, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद में मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे जो भी व्यवसाय है यहाँ पे देख सकते हो मुखिया का क्या व्यवसाय है यह आपको फिल करना है। इसमें क्या महिला ग्रेड है तो यहाँ पे ग्रेड की सेक्शन पे यहाँ पे हम चूज करेंगे और यहाँ पे परिवार के जितने भी इनकम होंगे वो इनकम सर्टिफिकेट से यहाँ पे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुकी है। आपके परिवार के गैस कनेक्शन है या फिर नहीं है यहाँ पे आपको चूज करना है। गैस कनेक्शन यहाँ पे पाइपलाइन से है तो यहाँ पर इसको चूज करेंगे, अगर अदरवाइज यहाँ पे नो के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर ईमेल आईडी हो तो इसको आप फिल करेंगे, विद्युत कनेक्शन है तो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद पे आगे बढ़े के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आपका जो डिटेल है वो सुरक्षित हो चुकी है। आपको यहाँ पे ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे सेकंड पेज पे आ चुके हैं जिसमें कि आप सभी को करंट एड्रेस की डिटेल्स फिल करनी है, जिसमें कि मकान नंबर, ग्राम पंचायत या फिर यहाँ पे दोनों ही पते आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। परमानेंट एड्रेस पे यहाँ पे नीचे की तरफ फिल कर देनी है। यहाँ पे एड्रेस आप नीचे आपको फिल करने के बाद सुरक्षित करें आगे बढ़ के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आपको यहाँ पे यूनिट को एड करने के पेज पे आ चुके हैं, जिससे कि यहाँ पे महिला के जो नेम है वो पहले से यहाँ पे एड है। यहाँ पे परिवार के जितने भी अन्य सदस्य है उन सभी का नाम यहाँ पे वन बाई वन ऐड करना है। यहाँ पे ऐड करने के लिए आपको नया परिवार के सदस्य जुड़े हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे श्री श्रीमती जो भी टाइटल है चूज कर लेना है। परिवार के सदस्य का नाम यहाँ पे हिंदी में, इसके बाद यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज पे यहाँ पे आपको फिल कर देना है। डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देना है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है उसको यहाँ पे चूज कर लेना है। इसके बाद मुखिया से जो भी संबंध है यानी महिला से जो भी संबंध है उनका तो वो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। दैनिक वितरण प्रणाली में यहाँ पे आधार कार्ड प्रयोग करें, यहाँ पे इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप सभी को अपने आधार का नंबर को फिल कर देना है। इसके बाद सदस्य जुड़े का ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमने एक सदस्य को ऐड किया है तो वो सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब इसी तरीके से परिवार में जितने भी सदस्य है उनको आप वन बाय वन इसी तरीके से ऐड कर लेंगे। इसके बाद सुरक्षित करें आगे बढ़े के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे यूनिट की डिटेल्स पे यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब हम आ चुके हैं बैंक विवरण में, जिसमें कि बैंक खाता जिसमें जिनके भी नेम पे है पहले तो वो आपको चूज करना है, मुखिया का नाम से है या फिर उनका पोते का नाम से है या फिर बेटे का नाम से है, यहाँ पे चूज कर लेना है। बैंक खाता अदर का जो भी नेम है यहाँ पे ऑप्शन आपको शो हो जाता है, इनमें से आपको चूज कर लेना है और यहाँ पे बैंक का जो भी नाम है उस लिस्ट से आपको चूज कर लेना है। शाखा का नाम चूज कर लेना है और आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। हमारी बैंक डिटेल भी अपडेट हो चुकी है। यहाँ पे अब हम अटैचमेंट सेक्शन पे आ चुके हैं, जिसमें कि यहाँ पे हमें मुखिया की एक फोटोग्राफ अपलोड करना है। तो यहाँ पर इमेज को पहले से ही क्रॉप करके आपको रख लेना है, इसके बाद पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में बैंक पासबुक के सेक्शन पे आना है, यहाँ पे बैंक पासबुक को भी यहाँ पे चूज कर लेना है। यहाँ पे आप सभी को अपने आधार कार्ड की एक कॉपी को अपलोड करना होगा। आगे बढ़ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आंसर आते हैं, जिसमें कि आप सभी को यहाँ पे पढ़ना है और जो भी आपको यस नो पे आंसर देनी है वो आप यहाँ पे वन बाय वन इन सभी को आप सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में घोषणा के सिलेक्शन पे आपको जो भी जानकारी दे रहे है वो बिल्कुल सही है, इसके लिए यहाँ पे आप एक टिक कर देंगे और सुरक्षित करे के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप सुरक्षित करे के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो रेशन कार्ड का रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुकी है यानी कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ पे इस नंबर को आप सभी को यहाँ पे अपने पास नोट करके रख लेने हैं सुरक्षित करके। रेशन कार्ड को अप्लाई करने के बाद अब हमें दोबारा से होम पेज पे आना है और यहाँ पे बेनिफिशियरी का जो ऑप्शन है इस पे हमें क्लिक करना है और अब हमें यहाँ पे चेक फॉर्म प्रिंट करें इस पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे हमें अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसे चूज करना है और इसके बाद यहाँ पे हमें जो रेशन कार्ड नंबर जो अप्लाई करने के बाद हमें मिला है वो यहाँ पे आपको फिल करना है और सर्च के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका जो फॉर्म है वो आपके सामने शो हो जाता है। आप सभी को यहाँ पे अपने डिटेल को वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे इस रिसिप्ट पे आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है वो अग्रेसित नहीं हुआ है या इसको हमें सेंड करने के लिए हमें फाइनल लॉक हमें करना होगा। तो इसके लिए हमें इन्फिशरी के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे अब हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आवेदन का संबंधित अधिकारी को अग्रेसन, तो हमें इस ऑप्शन पे
ही क्लिक कर लेना है और अगेन हमें डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर लेना है। यहाँ पे अपना रेशन कार्ड नंबर को फिल करना है और आधार डुप्लीकेट चेक हेयर को अग्रेशन पे इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए 24 घंटे का समय लग सकता है, जिसमें कि ओके का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब हमें कुछ समय वेट करने के बाद यहाँ पे रेशन कार्ड अवती रसीद का ऑप्शन पे क्लिक करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, अपना जो आवेदन क्रमांक है वो यहाँ पे फिल करना है, सर्च के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आप जो आपका रेशन कार्ड का जो आवेदन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। आपके सामने रेशन कार्ड को अप्लाई करने के जो रजिस्ट्रेशन है वो भी जनरेट हो चुका है, आ चुकी है। आप चाहे तो इसे जल्दी से आप रेशन कार्ड को जल्दी से अप्रूव कराने के लिए आपका फूड इंस्पेक्टर के पास फिजिकल एक कॉपी भी सेंड कर सकते हैं, जिसमें कि आप सभी का जो रेशन कार्ड है वो जल्दी से वेरीफाई होकर के आपका जल्दी से आपका रेशन कार्ड कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से आप रेशन कार्ड आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पहले जैसा नियम अभी तक नहीं रहा, ऐसा ही अप्लाई किया जाता है। जी गाइस, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड का जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो आता रहता है। जी गाइस, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि फिलहाल बहुत सारे लोगों को रेशन कार्ड अप्लाई करना है और आपके शेयर करने से ही किसी को शायद ही ऐसा अप्लाई कर पाएंगे और उनका एक रेशन कार्ड बन पाएगा। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से किसी नए वीडियो में।